गुड मॉर्निंग। अपनी लाइफ को चेंज करने की इस वन ईयर चैलेंज में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई फील सो प्राउड कि आप हर दिन यहाँ पर आकर इन नई चीज़ों को सीखने के लिए और जो चीज़ें पता है उनको रिवाइज करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं और अपने आप पर काम कर रहे हैं। रियली प्राउड ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज मैसेज। जब भी कोई तैरना सीखता है तो सबसे पहले उसे क्या लेसन मिलता है पता है? कि अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्यों पता है? क्योंकि जो पानी है ना, वो टेंशन का दुश्मन है। अगर पानी में जो स्विमर है वो टेंस्ड हो जाए, स्ट्रेस लेने लगे, परेशान हो जाए, हाथ पैर छटपटाने लगे और अपनी बॉडी को एकदम जकड़ के अकड़ा के रखे, स्टिफ रखे, तो वो 100% डूब जाएगा और वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। जितना ज़्यादा हम अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे, पानी पे भरोसा करना होगा, उतना ज़्यादा पानी हमारा दोस्त बन जाएगा और वो आपको कभी डूबने नहीं देगा। सिर्फ अगर आप हल्के हल्के भी अपने पैर हिलाओगे ना और पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़ दोगे, फिर भी आप नहीं डूबोगे। ये होती है रिलैक्सेशन की पावर। और आज का हमारा मैसेज भी यही था। इतना ब्यूटीफुल मैसेज था कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपनी विशेस को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, हम अलग अलग तरीके के उपाय करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी टेंशन में आकर। तो वही होगा जो स्विमिंग पूल में हुआ स्विमर के साथ। हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यूनिवर्स पे, इस पूरे ब्रह्मांड पे हमें भरोसा करना है कि वो हमारी विश हम तक ला कर रहेंगे और फिर बस तैरना है इस ज़िंदगी में एकदम रिलैक्स होकर, अपने माइंड को शांत रखकर। और जो छोटी मोटी बातें जैसे अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हम करते हैं, वो हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें और ज़्यादा हेल्प करेंगी। लेकिन अगर हम टेंशन लेकर कोई भी चीज़ करेंगे तो हमारा जो यूनिवर्स से कनेक्शन है वो बिगड़ जाएगा। अगर आप हर पल शांत रहकर सब कुछ सरेंडर कर देंगे, सब कुछ उस इंटेलिजेंट यूनिवर्स पर छोड़ देंगे, तो सब कुछ आपकी मर्ज़ी जैसा हो जाएगा। तो तैरने के लिए रेडी हो जाइए। अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात का, ठीक है? बस ये याद रखना कि अगर आपने टेंशन ले लिया तो समझो गए। डरा रही नहीं हूँ, बस चेतावनी दे रही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैं आशा करती हूँ आज का आपका दिन इतना सुंदर हो कि आप आसमान में उड़ने लगो अपने बेड पे बैठे बैठे ही। थैंक यू सो मच। बाय।